देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। तो आज हम जो बना रहे हैं ये हम सबके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, बस इसको ही बना लीजिए। आपका डिनर रेडी है, या फिर आप लंच में भी बनाइए, ब्रेकफास्ट में भी बनाइए, ये अकेला ही काफ़ी है सब चीज़ के लिए। तो चलिए अच्छे अच्छे टिप्स के साथ हम ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का कटोरी लिया है, उससे एक कटोरी मैदा, एक कटोरी गेहूँ और हाफ कटोरी सूजी लिया है। और उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी उबला हुआ आलू लिया है, उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाला है, थोड़ी हरी मिर्ची डाली है और थोड़ा सा जो लाल मिर्ची रहता है उसको कूट लिया है। इसे चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, ये मार्केट में भी मिलता है। और टेस्ट के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है बस। और इसमें गया है अदरक लहसुन का पेस्ट, मंगरेला, अजवाइन और हम इसमें एक डालेंगे सफ़ेद तिल। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे प्याज। देखिए बस अब ये बिल्कुल सारा सामान इसमें हो गया है। अब इसको हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही मिलाएंगे बिना पानी के। कभी कभी क्या होता है, ये जो बॉयल आलू रहते हैं ये गीले हो जाते हैं, तो ये ऐसे ही बिना पानी के गुथ जाता है। लेकिन देखिए आज क्या हुआ, ये बिना पानी के इतना ही गुथ पाया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके इसको अच्छे से एक टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए, मैं एक डो तैयार कर लूँगी और उस डो को मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट में रख दूँगी। देखिए ये जो मसाला पूरी बन रही है इसमें क्या टिप्स है आपके लिए, एक तो इसको फ्राई कैसे करना है, इसको बेलना कितना मोटा है, और इसको आप जैसे ट्रेन में ले जा सकते हैं ठीक है, लेकिन इसमें बॉइल पोटैटो है तो ख़राब होने का डर है। तो देख लीजिएगा कि आप कितने घंटे के लिए आप इसको बना रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं और लेके जाना है, उसके हिसाब से आप इसको तैयार करिएगा। देखिए नॉर्मल पूरी के जैसे बनता है वैसे ही मैंने यहाँ पे लोई बनाई है। और देखिए बस थोड़ा सा बेलते वक्त ध्यान रखना है कि थोड़ा मोटा बेलें। बस ये रेडी है, हो गया ये देखिए। हाँ अब इसको फ्राई करना है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पूरी पूरियाँ बेल ली है। मैंने यहाँ 5 लोगों के लिए बनाया था, जिसमें से मैंने यहाँ पे 3 लोगों के लिए अभी मैं बना रही हूँ ठीक है। ये देखिए तेल बिल्कुल गर्म था, तेल मैंने बिल्कुल तेज़ आंच पे गर्म कर दिया था और बाद में आंच को मीडियम कर दिया था। फ्लेम मेरा बिल्कुल यहाँ पे लो है। देखिए मैं यहाँ पे पहली पूरी आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे इसको हल्का दबाना है ठीक है। और बस जब पलटाएंगे तब भी हम इसको हल्का हल्का दबा के फुला लेंगे, ये बिल्कुल फूल जाती है हल्का दबाने से। आंच देखिए तेल जितना गर्म है आपको समझ में आ रहा होगा, आंच मीडियम है ठीक है, मीडियम ही रखना है। हाँ अब ये मैं एक दूसरा तरीका बता रही हूँ, ये आंच, इसमें आंच थोड़ा तेज़ रहता है और पूरी को थोड़ा ज़्यादा दबाना रहता है ठीक है। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से दबाने से क्या होता है, पूरी अभी पलटाने से पहले ही फूल जाती है आधी, और आधी अभी फूल जाती है, अभी भी हमको तेज़ी दबाना है। और आपकी गर्मा गर्म पूरी तैयार है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चे तो ऐसे ही खा जाते हैं, कोई अचार के साथ खाते हैं, कोई भुजिया, कोई सब्जी के साथ खाते हैं, आलू की भाजी के साथ। मैंने इसको यहाँ पे रबड़ी के साथ सर्व किया है और देखिए ये रेडी है। अगर मेरे आप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरी को ज़रूर एक बार बना के देखिए, ये वाकई में बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। देखने के लिए धन्यवाद।